कहाँ पे घूमता रहता है तू? ना ही पढ़ाई लिखाई, ना ही घर में पूरे माँ बाप है, इसका कोई टेंशन? पापा पूरे दिन घर में बैठ के क्या करूंगा? लो देखो कैसा नालायक बेटा पैदा किया है तुमने। उसमें तो आपका भी योगदान था। उस पे हम बाद में डिस्कस करें। जी जैसे अब ठीक समझे। सॉरी पापा, वो हाई सोसाइटी के कुछ लड़के थे, वो खामखा पंगा कर दिया हम लोगों के साथ, खूब पिटाई की। ये बड़े लोग भी ना बिल्कुल हम मिडिल क्लास वालों को कुछ नहीं समझते। क्या है ये सब? हाई क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास, अच्छे बूढ़े, काले गोरे, क्या है ये शिक्षा दी है मैंने तुझे? भगवान के बनाए हुए इंसान है हम, हर किसी को एक समान देखना चाहिए, एक नजर में देखना चाहिए हर किसी को। क्या पापा आप भी? आप क्या शर्मान जी और माँ को एक नजर में देख सकते हैं? हाँ तो जायदाद का और एक हिस्सा। देखो पापा, मैं पहले से बोल रहा हूँ, मैं अपने जायदाद से एक फूटी कौड़ी किसी को नहीं दूंगा। नालायक, तेरी माँ के सिंदूर बांटने का नौबत आ गया, तुझे यहाँ पे जायदाद की पड़ी है? अरे चुप करो तुम दोनों। तुम दोनों के वजह से ना किसी दिन मैं पागल हो जाऊंगा। कुछ भी बोल रहा हूँ अभी मैं। मुझे पापा पे पूरा भरोसा है। थैंक यू गुड्डी बेटा। देख तेरी बड़ी बहन कितनी समझदार है। देखो मेरी बेटी, जिसमें तो मेरा पता है तुम्हारा भी योगदान था। हम ये सब बाद में डिस्कस करें। जी जो आप ठीक समझे। तू जायदाद की बात कर रहा है? देश के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है ये पता है तुझे? पर अंकल का नाम इस टाइम में कुछ याद नहीं आ रहा है। बेटा गुड्डी, अपने नालायक भाई को बताओ देश के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। पापा वो तो पिछले साल के सिलेबस में था, तब मैंने पूछा। गलती हो गया बेटा, तेरा ही बहन है, कुछ तो असर दिखेगा ना। हमेशा आप इसके पीछे पड़े रहते हैं, कम से कम इसे इतना तो पता है कि वो आंटी नहीं अंकल है। हाँ उनपे एहसान कर दिया है। और तू गुड्डी, कल को अगर कोई लड़के वाले आए और तुझे कोई सवाल पूछे तो तू क्या जवाब देगी? ये तो पिछले साल के सिलेबस में था, ये तो इस साल सिलेबस में है नहीं, ये तो आने वाले साल के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ऐसा जवाब देगी तू? हेलो, हाँ बोलिए। क्या कमिटी का चेयरमैन सिलेक्शन हो गया? कौन बना? यही बड़े लोगों का प्रॉब्लम है, हम मिडिल क्लास वालों को तो कुछ समझ नहीं रही है। चाहे हमें जितना भी क्वालिटी रहे, उनमें ना ही कोई लीडरशिप क्वालिटी है और ना ही ये कोई भी डिसीजन ले सकता है। मैं अपने घर के लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकता तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी ऐसे बहुत बहुत सारे वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं। और उसके पास जो एक बेल का बटन है उसे तो जरूर क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। एंड गाइज, अगर रियली रियली आपने इस वीडियो को एंजॉय किए हैं तो मैक्सिमम आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। लाइक आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके जितने भी सोशल मीडिया सोर्स है, वह हर किसी के साथ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज। और एक लाइक तो जरूर बनता है, ताकि मैं आगे और भी इस तरह के वीडियो के बारे में सोच सकूं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके इतना ज्यादा एप्रिशिएशन मुझे मिल रहा है कि मुझे लगता है मतलब एक दिन में 2-4 वीडियो मैं बना डालूं, पर ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ इस टाइप के वीडियो बनाने में, इसके स्क्रिप्ट लिखने में, एंड जब ये पोस्ट करने के साथ साथ आपके जो एप्रिशिएशन आते हैं ना, तो उसे मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। तो इसीलिए एवरीडे मैं ऐसे वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।